हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। स्वागत है फिर एक बार आपका जस्ट टेक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज का अपना एपिसोड नंबर है 282। तो चलो शुरू करते हैं फिर। और आज की अपनी सबसे पहली अपडेट है सलमान खान और एआर मुर्गादोस की फिल्म सिकंदर से, जहां कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की शूटिंग अगले महीने 20 जून से शुरू होनी है। इसके अलावा एआर मुर्गादोस के लिए मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसके लिए मूवी के एक्शन डायरेक्टर स्टंट्स कोरियोग्राफ कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान ने इस मूवी के स्टंट्स खुद ही करने के लिए एआर मुर्गादोस को इंसिस्ट किया है, और साथ ही इस मूवी के लिए ट्रेनिंग भी वो काफी पहले से शुरू कर चुके हैं। अगली खबर आ रही है अनिल कपूर से रिलेटेड, जहां पहले तो अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 के अंदर अनिल कपूर हमें रकुल प्रीत सिंह के फादर के किरदार में दिखने वाले थे, पर अब ये न्यूज सामने आ रही है कि अनिल कपूर ने इस मूवी से भी एग्जिट ले ली है शूटिंग डेट्स के चलते हुए। अब अगर आपने हमको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि अनिल कपूर ने स्पाई यूनिवर्स के लिए YRF के साथ एक मल्टी फिल्म डील साइन की हुई है, जिस वजह से उनकी डेट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, और इसीलिए दे दे प्यार दे 2 मूवी की शूटिंग डेट्स बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रही थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अनिल कपूर को इस फिल्म से ड्रॉप लेना पड़ा। नेक्स्ट अपडेट है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल मूवी से, जहां पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि पुष्पा 2 मूवी के आइटम सॉन्ग में हमें सामंता की जगह तृप्ति डिमरी दिखने वाली है। तो भाई ये न्यूज अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, साथ ही इस आइटम नंबर से और कुछ डिटेल्स भी सामने आई है, जैसे कि इस सॉन्ग के लिए जून महीने में एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट बनाया जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, जो जादू सामंता ने अपने मुंह से क्रिएट किया था, क्या वही चीज तृप्ति डिमरी स्क्रीन के ऊपर ला पाएगी या नहीं। अगली खबर आ रही है हॉटस्टार की सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान से, जहां द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का ट्रेलर भी ड्रॉप हो चुका है। मुझे भाई ट्रेलर बढ़िया लगा, और ये सीरीज मस्ट वॉच कैटेगरी की सीरीज है। अगर आपने पहले सीजन नहीं देखे तो भाई इसको कैसे भी करके देख लो सीजन 4 के आने से पहले। बाकी ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर से बताना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है PVCU की राक्षस मूवी से, जहां कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं इस प्रोजेक्ट से। तो अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज सामने आ रही है, जहां मूवी के मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल ट्रैक पर है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जबकि कुछ दिनों पहले प्रशांत वर्मा ने यह साफ किया था एक इंटरव्यू के अंदर कि उन्हें रणवीर सिंह की टीम का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसके बाद प्रशांत वर्मा ने वापस से एक स्टेटमेंट दी और कहा कि उनके और रणवीर सिंह के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि प्रशांत वर्मा के पिछले स्टेटमेंट के बाद उन्हें प्रोड्यूसर से काफी प्रेशर आया होगा। एनीवे देखते हैं इस राक्षस मूवी को लेकर आगे क्या अपडेट्स आते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो रिसेंटली करण जौहर ने अपने बर्थडे पर एक नई मूवी अनाउंस की है, जिसको वो खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मूवी का कोई टाइटल अभी तक रिवील नहीं किया गया है। आगे बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक्टर कार्थी को लेकर भी काफी सारी अपडेट सामने आई है, जहां सबसे पहले तो भाई उनकी फिल्म कार्थी 26 का टाइटल रिवील कर दिया गया है, और अब इस मूवी का टाइटल होगा वा वाथियार। इसके अलावा इस फिल्म से एक पोस्टर भी ड्रॉप किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नालम कुमार स्वामी, और साथ ही इस मूवी में म्यूजिक देंगे संतोष नारायण। आगे बात करें तो उनकी फिल्म कार्थी 27 का भी टाइटल रिवील कर दिया गया है, और साथ ही एक फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया गया है, जहां इस मूवी का नाम होगा मियां जागन। इसके अलावा मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही इस फिल्म के अंदर कार्थी के साथ साथ एक्टर अरविंद स्वामी भी दिखेंगे। इसके बाद कार्थी की एक और फिल्म सरदार 2 करंटली प्री प्रोडक्शन स्टेजेस में है, और इस मूवी की फिल्मिंग जुलाई महीने से शुरू होने वाली है, और साथ ही यह फिल्म एक्टर कार्थी के करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है, जिसकी शूटिंग इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी होगी। इसके अलावा मेकर्स इसी मूवी से कार्थी का हिंदी डेब्यू भी करने वाले हैं, जहां वो इस फिल्म के लिए एक हिंदी एक्ट्रेस देख रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है, कौन कार्थी के साथ दिखना चाहिए। आगे बात करें तो हर्षवर्धन राणे और दिव्या खोसला कुमार की सभी अ ब्लडी हाउसवाइफ फिल्म का एक नया सॉन्ग ड्रॉप हो चुका है। अब ये सॉन्ग स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर केके का लास्ट सॉन्ग है, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अगर आपने केके का ये सॉन्ग सुना है तो प्लीज बताना कि आपको कैसा लगा। अगली अपडेट है राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, जहां इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से 0 कट्स के साथ यू की रेटिंग मिली है। एंड एक्चुअली में ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, मेजोरिटी फिल्म्स को यू सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ कट्स दिए जाते हैं। रिसेंटली रिलीज हुई श्रीकांत मूवी को ही देख लो। नेक्स्ट अपडेट है कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट की फिल्म जीले जरा से, जहां ये फिल्म कई सालों से होल्ड पर है। अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहती है, और अभी के लिए मूवी की तीनों एक्ट्रेस की शूटिंग डेट्स को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं। आगे बात करें तो आमिर खान के बेटे जुनैद खान हमें बहुत जल्द अपना OTT डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, जहां वो 14 जून को आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म महाराज में दिखने वाले हैं। साथ ही YRF को इस प्रोजेक्ट के कंटेंट में काफी भरोसा है। इसके अलावा इस मूवी का ट्रेलर हमें 5 जून को दिखने वाला है। अगली अपडेट है एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की फिल्म सत्यभामा से, जहां फाइनली इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। इसी के साथ गैंग्स ऑफ गोदावरी फिल्म का भी ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिसको आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तो टाइम से आ जाना। दिस इज जस्ट, यू वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।